माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 की सेशन को चालू किए हुए हैं और इसमें हमने आपको जो चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया है वो है आपका सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन का पहला लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर को आप कवर करें, उसके बाद आज के लेक्चर की तरफ आप मूव कर सकते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर में हमने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंतर्गत परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के बारे में, परसेंट भी बाई भी के बारे में, परसेंट डब्ल्यू बाई भी के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में, पार्ट्स पर बिलियन के बारे में और पार्ट्स पर ट्रिलियन के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग मोलारिटी को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, साथ साथ मोलारिटी की जितने भी न्यूमेरिकल्स होती है, जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल्स होती है, वो सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे और साथ साथ इसके अंदर में हम लोग नीट की पीवाईक्यू और जेई की पीवाईक्यू को भी सॉल्व करेंगे मोलारिटी टॉपिक के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए बेटा आज के हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है मोलारिटी या फिर एक्टिव मास। आपको पता है मोलारिटी क्या होता है? अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं सबसे पहले, क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कॉल्ड एज मोलारिटी। बेसिकली बेटा हम लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई सॉल्यूशन 1 लीटर का फिक्स किया गया हो तो उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, उसी के लिए हम टर्म यूज करेंगे मोलारिटी। कहने का मतलब 1 लीटर के सॉल्यूशन पर जितने सॉल्यूट का मोल होता है ना, उसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा मोलारिटी। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं कैपिटल एम सोचूं बेटा, दिस इज अ मोलारिटी, ये क्या है, मोलारिटी है। फिर एक मैं बात करूं एन ए, इसको हम लोग बोल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और एक मैं लेके चलता हूं बेटा भी, दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देन मोलारिटी बराबर आप क्या बोलेंगे, दिस इज अ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब एन ए डिवाइड बाई आप क्या ले सकते हैं, भी ए ले सकते हैं। आप खुद से भी यहां से डेफिनेशन सोच सकते हैं कि अगर मान लो हम लोग यहां पे वॉल्यूम को 1 लीटर बना ले, कितना बना ले बेटा, 1 लीटर बना ले। तो जैसे ही आप 1 लीटर वॉल्यूम बनाओगे ना, तो मोलारिटी किसके बराबर लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के बराबर लिखा जा सकता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने डिफिनेशन दिया है कि हमारे पास जब 1 लीटर का सॉल्यूशन होगा तो उस दौरान जो नंबर ऑफ मोल होंगे सॉल्यूट का, उसी के लिए टर्म यूज करेंगे हम लोग मोलारिटी। क्या बोलेंगे, मोलारिटी बोलेंगे। यानी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके बाद अगर हम लोग बेटा इसकी यूनिट की बात करते हैं कि आखिर मोलारिटी का यूनिट क्या हो सकता है, आपको पता है कि मोल तो एक फंडामेंटल यूनिट है और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है बेटा, लीटर होता है। तो मोल पर लीटर आप इसका यूनिट दे सकते हैं या फिर इसका यूनिट क्या दिया जा सकता है, मोल लीटर इनवर्स दे सकते हैं। और इसी के लिए एक और यूनिट बोलते हैं बेटा मोलर, क्या बोलते हैं, मोलर। और मोलर को हम लोग कैपिटल एम के साथ दिखाते हैं, इसके साथ कैपिटल एम के साथ दिखाते हैं, ठीक ना। इसके बाद बेटा अगर एक और पॉइंट यहां पर सोच करके चले तो हम लोग कहते हैं कि मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ड्यू टू दे डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। देखो वैसे कॉन्सेंट्रेशन जो आपको वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता हुआ नजर आएगा ना,
वो कॉन्सेंट्रेशन आपका हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। जैसे अगर आप मोलारिटी सोच करके चले, यहां पर वॉल्यूम है आपका, और अगर ये कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डैट मीन्स ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम दिस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी, या फिर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा आपको। और मोलारिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लो हमने मोल को कांस्टेंट बना दिया या स्थिरांक बना दिया, तो इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। दैट मीन्स मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, वॉल्यूम लिख सकते हैं। ये तब लिख सकते हैं आप जब हमारे पास मोल कैसा हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए। कैसा हो जाए बेटा, कॉन्स्टेंट हो जाए, तब ऐसे सीन में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। नाउ अगर इन दोनों को मैं रिलेट कर दूं यहां से, तो आप क्या देख सकते हैं कि जहां पे टेम्परेचर है आप वहां पे वॉल्यूम सोच सकते हैं, और जहां पे वॉल्यूम है आप वहां पे टेम्परेचर सोच सकते हैं। यानी कि मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, टेम्परेचर हो गया। इसका मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी मोलारिटी कम हो जाएगी आपकी, और अगर आप टेम्परेचर को कम करते हुए चलेंगे तो उसकी मोलारिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, एक बात और यहाँ पे समझने की जरूरत है, मोलारिटी को ही हम लोग एक्टिव मास के नाम से जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कभी एक्टिव मास निकालने के बारे में बोल दिया तो आपको डरना नहीं है, एक्चुअली वो मोलारिटी के बारे में ही आपसे पूछ रहा है। तो मोलारिटी और एक्टिव मास दोनों एक ही चीज है ना। यानी एक्टिव मास बोलेंगे तो मोलारिटी होगा, और मोलारिटी बोलेंगे तो एक्टिव मास ही आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको आप जरा कॉपी करो, इसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको पहले कॉपी करें, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग बेटा अब डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स फॉर मोलारिटी के बारे में। देखो, मोलारिटी के अंदर में आपका जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो हर एक न्यूमेरिकल्स को हम लोग टाइप वाइज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहला और बेसिक सा टाइप लेके चल रहा हूं कि जब आपके क्वेश्चंस में सॉल्यूट का मोल दिया जा रहा हो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के फॉर्म में दिया जा रहा हो, तो वैसे सिचुएशन पे आप मोलारिटी कैसे सोचेंगे। जैसे कैपिटल एम, इसको आप क्या बोल रहे हैं बेटा, दिस इज अ मोलारिटी। फिर है हमारे पास एन ए, दिस इज अ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। फिर एक है बेटा वी एल, इसको आप कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब क्वेश्चन में मोल दे दिया जाए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर के फॉर्म में दे दिया जाए, तो वैसे सिचुएशन पे आप मोलारिटी बराबर क्या फॉर्मूला लेके चलेंगे, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपके पास सबसे बेसिक सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, आप जरा देख लें क्या कह रहे हैं। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। आपके पास ग्लूकोज का मोल कितना है बेटा, अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज की, जिसको आप रिप्रेजेंट कर लो Na के साथ, दिस इज अ 2 मोल। ये कितना दिया गया बेटा, 2 मोल दिया गया है। इन 3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, आपके पास दिया गया है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज वी एल। आपके पास कितना है, 3 लीटर है। अब हमें कैलकुलेट करना है मोलारिटी, तो मोलारिटी बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, एन ए बाई वी एल होता है। देयर फोर मोलारिटी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, मोल आपके पास कितना हो गया 2, और वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास 3, यानी कि 2/3 मोलर आप इसका करेक्ट आंसर लेके चल सकते हैं। आप चाहो तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर चाहो तो इतना भी आप छोड़ के चल सकते हैं, ठीक ना। इसी के जैसा हमारे पास एक और क्वेश्चन निकल करके आता है बेटा, देख लें। जैसे यहां पर ये वाला क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 3 मोल ऑफ NaCl। इस बार नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl कितना है बेटा, 3 मोल दिया गया है। साथ में आपके पास बोला गया है डिजोल्व इन 3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब आपके पास सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 3 लीटर दिया गया है, और आपको कैलकुलेट करने बोल दिया है मोलारिटी। क्या बोल दिया है, मोलारिटी। तो हम लोग बेसिक सा फॉर्मूला देखें कि कौन सा इस्तेमाल होगा, मोलारिटी बराबर दैट इज एन ए बाई वी एल वाला इस्तेमाल होगा।
देयरफॉर मोलारिटी बराबर क्या लिखा जा सकता है, मोल हो गया 3, वॉल्यूम हो गया 3, सॉल्व करेंगे बेटा कितना मिल जाएगा, 1 मोलर मिल जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था और बहुत बेसिक सा फॉर्मूला था, है ना। तो इस आधार पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले जरा आप इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अगले टाइप के तरफ अगर बढ़े, इस बार क्वेश्चन में क्या चीज दिया जा सकता है, एक तो दे देगा आपके पास सॉल्यूट का मोल, लेकिन इस बार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल के फॉर्म में दे देगा। किस फॉर्म में? एमएल के फॉर्म। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, कि भी एमएल को बेटा भी लीटर में कन्वर्ट करना होगा, और भी लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, भी एमएल को 1000 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। नाउ आपको मोलारिटी बराबर पता है, एनए बाई क्या होता है बेटा, भी एल होता है। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन को उठा के सेकंड में पुट कर दो। मैं लिख रहा हूं यहां पे पुटिंग द इक्वेशन फर्स्ट ऑन सेकंड। अगर फर्स्ट को आप सेकंड में रख लेते हैं तो आपके पास मोलारिटी बराबर क्या मिल जाएगा, दिस इज द एन ए बाई भी एम एल इंटू क्या होगा बेटा, 1000 हो जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला आप कब इस्तेमाल करेंगे? ये वाला फॉर्मूला आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपका एमएल के फॉर्म में दिया गया। पिछला वाला जो टाइप था उसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर के फॉर्म में दिया गया था, है ना। लेकिन इस बार हम लोग एमएल के फॉर्म में सोच रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। इस बार हमारे पास ग्लूकोज का मोल कितना है बेटा, 2 मोल दिया गया है, 2 मोल दिया गया है इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम दिया गया किस फॉर्म में बेटा, एमएल के फॉर्म में। दिस इज अ 500 ml। क्या दिया गया? 500 ml दिया गया। तो सबसे पहला तो आप क्या करो ना, कि आप भी एमएल को भी लीटर बना दो। तो भी लीटर बराबर क्या लिख सकते हैं, भी एमएल बाई 1000, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, देखो तो 500 बाई हो गया आपके पास 1000। सॉल्व करेंगे बेटा तो 1/2 लीटर आ जाएगा यहां से, है ना। यानी इसी को आप चाहें तो 0.5 लीटर भी कह सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी बराबर क्या होता है बेटा, NA डिवाइड बाई भी एल होता है। अभी हम लोग जस्ट देख चुके हैं इसके बारे में। तो मोलारिटी बराबर मोल कितना हो गया 2, और वॉल्यूम कितना हो गया 0.5। यानी पॉइंट हटेगा तो ऊपर हो जाएगा 10, 5 से 2 टाइम में जाएगा। यानी आप इसका करेक्ट आंसर क्या ले सकते हैं, 4 मोलर ले सकते हैं। एक तो ये तरीका है बनाने का। दूसरा तरीका ये भी है, मैथड नंबर टू क्या है, कि अगर आपको ये वाला फॉर्मूला माइंड में बैठा हुआ है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सिंपल इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो इस्तेमाल करके देखें। जैसे मोलारिटी बराबर क्या था, NA बाई भी एम एल इंटू क्या था बेटा, 1000 था, है ना। तो मोलारिटी बराबर देखो तो मोल आपके पास कितना था, 2 मोल था, तो हम लोग यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे। वॉल्यूम कितना हो गया, 500 इंटू क्या होगा बेटा, 1000 होगा। इससे जाएगा आपके पास 2 टाइम में, यानी मोलारिटी बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 मोलर हो जाएगा। तो आप चाहे तो फॉर्मूले को माइंड में रख करके सिंपल इस्तेमाल कर लें, या फिर आप इस प्रोसेस के इस्तेमाल से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो पहले इसको जरा कॉपी करो, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ लेते हैं। तो टाइप नंबर 3 में आपके पास क्या बोल रहा है, कि इस बार क्वेश्चन में वेट दिया जा सकता है, या फिर कोई वजन दिया जा सकता है, गिवन मास दिया जा सकता है, गिवन वेट दिया जा सकता है, और साथ में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर के फॉर्म में दिया जा सकता है। तो हम लोग एक चीज को तो जानते हैं कि मोलारिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, और मोल बराबर हम लोग जानते हैं गिवन वेट अपॉन क्या होता है, मॉलिकुलर वेट, है ना। गिवन वेट बाई मॉलिकुलर मास भी आप इसको कहते हैं। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड को उठा के जरा फर्स्ट में पुट कर दो। मैं यहां पर लिख रहा हूं पुटिंग द इक्वेशन सेकेंड ऑन इक्वेशन नंबर 1। अगर आप सेकेंड को फर्स्ट में पुट कर लेते हैं बेटा, तब क्या मिल जाएगा, देखो तो मोलारिटी बराबर डब्ल्यू ए बाई मॉलिकुलर मास ऑफ ए डिवाइड बाई क्या होगा, भी एल बाई क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 किधर चला जाएगा, ऊपर। यानी मोलारिटी बराबर क्या मिला, डब्ल्यू ए बाई मॉलिकुलर मास ऑफ ए इंटू 1 अपॉन क्या होगा, भी एल होगा।
है ना, तो आप इसको ऐसा सोच सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला आप कब इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फॉर्मूला आप तब इस्तेमाल करेंगे जब क्वेश्चन में गिवन वेट हो, साथ में सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपका लीटर के फॉर्म में दिया गया। इस आधार पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, आइए जरा उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 30 ग्राम ऑफ दिस सॉल्ट इन 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आप गिवन वेट की बात करते हैं, कितना दिया गया बेटा, 30 ग्राम दिया गया है, यानी डब्ल्यू ए ये आपके पास कितना गिवन है, तो 30 ग्राम दिया गया है। फिर अगर मैं मॉलिकुलर मास बात करूं, किसके लिए बेटा, ये वाला सॉल्ट के लिए, तो इसका अगर मॉलिकुलर मास आप कैलकुलेट करोगे तो आता है 291 ग्राम पर मोल। कितना आता है, 291 ग्राम पर मोल। भाई मॉलिकुलर मास तो निकालने आता होगा, हर एक एटम के एटॉमिक मास को जोड़ देंगे तो उस कंपाउंड का मॉलिकुलर मास आपको पता चल जाएगा। तो इस कंपाउंड का मॉलिकुलर मास कितना मिलता है, 291 ग्राम पर मोल मिलता है। साथ में जो वॉल्यूम है उसमें लीटर के फॉर्म में दिया गया, कितना बेटा, 4.3 लीटर दिया गया। अब देखो क्वेश्चन में वेट मिल गया, साथ में वॉल्यूम मिल गया आपके पास लीटर के फॉर्म में, तो मोलारिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें आप, डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू क्या होगा, 1/VL होगा, कर सकते हैं। यानी मोलारिटी बराबर डब्ल्यू ए कितना हुआ बेटा, 30 ग्राम, मॉलिकुलर मास हो गया बेटा 291 इंटू 1/, और VL कितना है तो 4.3 है। अब जरा इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आएगा 0.023 मोलर, 0.023 मोलर। तो जो टाइप नंबर 3 था इसमें हमारे पास दो चीज दिया जा सकता है, एक तो वेट दिया जाएगा और दूसरा क्या दिया जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको लीटर के फॉर्म में दिया जाएगा, कर सकते हैं। पहले इसको जरा आप कॉपी करें, इसके बाद यहां पे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो एक जेई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, द अमाउंट ऑफ सुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। हमारे पास देखो बेटा मोलारिटी दिया गया है, मोलारिटी कितना है देखो, तो 0.1 मोलर है। कहां पर, यहां पर देखो मोलारिटी दिया गया है। साथ में आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना रखा गया बेटा, 2 लीटर रखा गया, देख लो यहां पर। और आपको निकालने बोला है कि वेट कितना होगा ये पता करो, जबकि हमें पता है कि मॉलिकुलर मास ऑफ सुगर कितना होता है, 342 ग्राम पर मोल होता है ना। इसके अगर एटॉमिक मास को निकाल करके जोड़ देंगे तो जो इसका मॉलिकुलर मास मिलेगा या आणविक द्रव्यमान जो मिलेगा वो कितना होगा, 342 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो आप देखिए हमें वेट चाहिए था और वॉल्यूम है आपके पास 2 लीटर, फॉर्मूला लगा लो कौन सा, मोलारिटी बराबर डब्ल्यू ए बाई मॉलिकुलर मास ऑफ ए इंटू क्या होगा, 1/VL हो जाएगा। अब सारे वैल्यू इसको जरा यहां पे पुट करके चल, मोलारिटी हमारे पास कितना है, 0.1 हो गया, डब्ल्यू ए आपको चाहिए, मॉलिकुलर मास हो गया सर 242 इंटू 1/, वॉल्यूम कितना है बेटा, तो 2 लीटर दिया गया है। देयरफॉर डब्ल्यू ए बराबर लिखा क्या जा सकता है, 0.1 इंटू 342 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जरा सॉल्व करके देखें कितना आता है इसमें, 2 × 4, 4 × 8 एंड 3 × 6 कितना आ जाएगा, 68.4 ग्राम आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टाइप की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला टाइप कह रहा है कि आपके क्वेश्चन पे वेट दिया जाएगा, कौन सा वेट, गिवन वेट, और साथ में सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको ml के फॉर्म में दिया जाएगा। तो आपने अभी एक फॉर्मूला देखा कि डब्ल्यू ए बाई मॉलिकुलर मास ऑफ ए इंटू 1/ क्या था, VL था, इसको मान लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1। और वॉल्यूम जो था आपके पास ml के फॉर्म में अगर है, सबसे पहले VL आपको निकालना पड़ेगा, VML बाई 1000 से, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड को उठा के जरा फर्स्ट में पुट कर दो, मैं लिख रहा हूं पुटिंग द इक्वेशन सेकेंड ऑन इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड को जरा फर्स्ट में पुट करें तो क्या मिल जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई मॉलिकुलर मास ऑफ ए इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा बेटा, VML हो जाएगा।
है ना। तो अगर क्वेश्चन में ml के फॉर्म में वॉल्यूम दिया गया है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके उसकी मोलारिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है देखो, तो व्हाट इज द मोलारिटी व्हेन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आप देखें ध्यान से तो वेट ऑफ H2SO4 बेटा, वेट ऑफ H2SO4 दैट इज WA क्वेश्चन में कितना गिवन है, तो 4.9 ग्राम दिया गया है। और आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 दैट इज MA ये कितना होता है बताओ, 98 ग्राम पर मोल होता है। भाई मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान निकालने आता है ना, H2SO4 का हाइड्रोजन का 2 ग्राम, सल्फर का कितना हो जाएगा 32 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64 ग्राम। सारे को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, 98 ग्राम पर मोल मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया गया, 250 ml दिया गया है। तो इसको भी मैं लिख देता हूं लैंग्वेज पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी ml पर दिया गया है, कितना बेटा, तो 250 ml दिया गया है। अब देखो क्वेश्चन में वेट है और साथ में वॉल्यूम दिया गया है ml के फॉर्म में, और आपसे क्वेश्चन में मोलारिटी निकालने बोल दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो मोलारिटी बराबर क्या जानते हैं, WA बाई मॉलिकुलर मास ऑफ A इंटू 1000 बाई क्या होता है बेटा, भी ml होता है। सारे वैल्यूज को जरा आप पुट करके देखें क्या आता है आंसर, मोलारिटी इज इक्वल टू WA कितना है बेटा, तो 4.9, मॉलिकुलर मास हो गया सर 98 इंटू 1000, और वॉल्यूम कितना हो गया 250 हो गया। अब 250 से ये कितना टाइम में जाएगा, 4 टाइम में। इस पॉइंट को हटा के मैं यहां लगा देता हूं, ये 2 बार में चला गया और इससे कट जाएगा आपके पास, तो मिल जाएगा 0.2। मतलब मोलारिटी कितना मिल गया बेटा, 0.2 मोलर इसका मोलारिटी आ जाएगा। कर सकते हैं, अगर आप इस वाले क्वेश्चन को नोटिस करें बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोलारिटी व्हेन 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इस बार आपके पास वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है बेटा, 4 ग्राम दिया गया है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कितना होता है, मैं निकाल देता हूं, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, सॉल्व करेंगे आएगा 40 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा, 40 ग्राम पर मोल। साथ में वॉल्यूम कितना दिया गया, 100 ml दिया गया है, तो वॉल्यूम है आपके पास ml के फॉर्म में कितना बेटा, 100 ml। तो मोलारिटी बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, अगर क्वेश्चन में वेट हो और वॉल्यूम हो ml के फॉर्म में, तो फॉर्मूला जानते हैं WA बाई मॉलिकुलर मास ऑफ A इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा बेटा, भी ml होगा। अब आप सारे वैल्यूज को जरा यहां पे पुट कर लीजिए, तो मोलारिटी बराबर WA कितना है, 4, ये हो गया 4, मॉलिकुलर मास हो गया 40 इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा बेटा, 100 होगा। ये 0000 खत्म, 4 से 4 खत्म, यानी मोलारिटी बराबर कितना मिल गया, 1 मोलर मिल गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल्स है बाबू, बस थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले जरा आप इसको कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट अगले कुछ और टाइप्स की बात करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का कितना अमाउंट होगा ये आपको निकालना है। Required for preparing 250 ml of 0.15 molar solution of methanol. देखो तो हमारे पास solution का volume ml के form में है कितना बेटा, 250 ml. साथ में उस solution की molarity given है 0.15 molar. और molecular mass of benzoic acid, molecular mass of benzoic acid कितना होता है, 122 ग्राम पर मोल। कितना होता है बेटा, 122 ग्राम पर मोल होता है बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास, ठीक ना। अब हमें निकालना है वेट कितना होगा, तो फॉर्मूला जानते हैं, मोलारिटी बराबर WA बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इंटू 1000 बाई क्या होगा बेटा, भी ml हो जाएगा। तो मोलारिटी कितना है बेटा, 0.15 इज इक्वल टू WA, मॉलिक्यूलर मास हो गया सर 122 इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है, 250 है, इससे 4 टाइम में चले जाएंगे। अब यहां से अगर आप WA को कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड कर दो, तो 0.15 इंटू 122 डिवाइड बाई क्या होगा बेटा, 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है आंसर, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 4.575 ग्राम।
कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो ये नीट 2013 का क्वेश्चन है ना। कह रहे कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे NO3 लिखा गया है जबकि यहाँ पे HNO3 होगा ना। द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। सबसे पहली चीज यहाँ पे वेट आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास मोलारिटी गिवेन है बेटा 2 मोलर, साथ में वॉल्यूम ml के फॉर्म में दिया गया है कितना 250 ml है कि नहीं, और कुछ दिया गया है क्या? मॉलिकुलर मास तो दिया ही गया है। नाइट्रिक एसिड का मॉलिकुलर मास कितना होता है? तो 63 ग्राम पर मोल होता है बेटा। अब यहां से क्या करो कि आप वेट फाइंड आउट करो, तो मोलारिटी बराबर फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू ए बाई मॉलिकुलर मास ऑफ ए इंटू 1000 बटा क्या होगा वी एम एल हो जाएगा। अब आप सारे वैल्यूज को रखें और डब्ल्यू ए कैलकुलेट करें। मोलारिटी कितना है 2, डब्ल्यू ए चाहिए, मॉलिकुलर मास हो गया 63 इंटू 1000 एंड वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 250 हो गया, कर सकते हैं। अब यहां से कट कूट करें, ये 4 टाइम में चला गया, ये आपके पास 2 टाइम में चले गए, देयरफॉर डब्ल्यू ए जो मिला आपके पास ये हो गया 63/2। बट यहां पे नाइट्रिक एसिड 70% ही था ना, तो वेट का 70% सोच लो, यानी कि डब्ल्यू ए का 70% 70/100 ये 63/2 के बराबर होगा। अब इसको जरा सॉल्व करके देखें, डब्ल्यू ए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 63 × 100 डिवाइड बाई क्या हो गया बेटा 2 × 70 हो गया, ठीक ना। अब इसको जरा आप सॉल्व करते हैं तो आएगा कितना, लगभग आ जाएगा 45 ग्राम कॉन्क HNO3। मतलब 70% अगर है ना वो कॉन्सेंट्रेशन वाला, तो उस केस में वेट आपको कितना मिल जाएगा, तो 45 ग्राम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिल जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कर सकते हैं। पहले इसको देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे पास टाइप नंबर 5 है, गिवेन ऑन क्वेश्चन परसेंट डब्ल्यू बाई वी। अगर क्वेश्चन में परसेंट डब्ल्यू बाई वी दिया गया हो तब आप कैसे सोचेंगे। इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ 4% डब्ल्यू बाई वी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। हमारे पास दिया गया बेटा 4% डब्ल्यू बाई वी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और आपको पता है कि जब भी परसेंटेज आता है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में इसको ब्रेक करना पड़ता है। तो पहले अगर मैं सॉल्यूट देखूं, यहां से सॉल्यूट अगर मैं बात करूं, दैट इज अ डब्ल्यू ए, ये क्या है डब्ल्यू ए है। फिर एक मैं यहां पे सॉल्यूशन सोचूंगा, वो होगा आपके पास वी एम एल के फॉर्म में, यही ना होता है आपके पास डब्ल्यू बाई वी, ऊपर वाला सॉल्यूट और नीचे वाला क्या होता है सॉल्यूशन, लास्ट क्लास में बता रखा हूं इसको, है ना। अच्छा सॉल्यूशन कितने एम एल का हो गया 100 ml का, और 100 ml में से 4 ग्राम आपके पास क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखो तो वॉल्यूम मिल गया और वेट मिल गया, और मॉलिकुलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कितना होता है बेटा, दिस इज अ 40 ग्राम पर मोल, कितना होता है 40 ग्राम पर मोल होता है कि नहीं। नाउ इसके बाद अगर हम लोग मोलारिटी फाइंड आउट कर ले, तो फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू ए बाई मॉलिकुलर मास ऑफ ए इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा वी एम एल हो जाएगा। अगर आप सारे वैल्यूज को पुट करें, मोलारिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए कितना बेटा 4, मॉलिकुलर मास हो गया 40 इंटू हो गया 1000 डिवाइड बाई क्या होगा 100 होगा। अब इसको जरा आप सॉल्व करके देखेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 मोलर आ जाएगा, कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का, एक और तरीका है आप उसको ट्रिक के आधार पे भी सोच सकते हैं, कैसे करना होगा देखो। तो अगर क्वेश्चन में मान लो परसेंट डब्ल्यू बाई भी कहीं दिया गया हो, क्या दिया गया हो परसेंट डब्ल्यू बाई भी कहीं दिया गया हो, तो मोलारिटी आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो यहां पे लिख रहा हूं मैं परसेंट डब्ल्यू बाई भी इंटू 10 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, जहां पर एम ए क्या है बेटा, एम ए क्या है, एम ए इज अ मॉलिकुलर मास या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर परसेंट डब्ल्यू बाई भी है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी आप मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्या करें कि इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करके देख लेते हैं।
मेथड नंबर टू पर, है ना। ये हो गया आपके पास मेथड नंबर वन, और इसको मान के चल लो आप मेथड नंबर टू। कितना परसेंट डब्ल्यू वाई भी है बेटा, तो 4% डब्ल्यू वाई भी है। और मॉलिकुलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल होता है। अब डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो आपके पास ये फॉर्मूला है क्या, मोलारिटी इक्वल टू परसेंट डब्ल्यू बाई भी इंटू 10 अपॉन क्या है मॉलिकुलर मास, डेट इज 4 इंटू 10 अपॉन क्या होगा बेटा मॉलिकुलर मास हो गया 40। सॉल्व करेंगे तो 1 मोलर इसका भी आ जाएगा। तो अगर आपके पास 4% डब्ल्यू बाई भी या कोई भी परसेंट डब्ल्यू बाई भी का सॉल्यूशन दिया जाता है और मोलारिटी फाइंड करने बोला जाता है तो आप ये वाला फॉर्मेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जरा आप इसको कॉपी कर लो, इसके बाद यहां पे कुछ और क्वेश्चंस बात करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 18% डब्ल्यू बाई भी ग्लूकोज सॉल्यूशन। अगेन आप देखेंगे तो जैसा आपका पहले वाला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास ये वाला भी क्वेश्चन है। यहां पे परसेंट डब्ल्यू बाई भी इस बार कितना है बेटा, 18% है। और किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्लूकोज सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12 और O6। ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल होता है, है ना। तो परसेंट डब्ल्यू बाई भी हो तो मोलारिटी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, परसेंट डब्ल्यू बाई भी इंटू 10 अपॉन क्या होगा मॉलिकुलर मास ऑफ सॉलिड। दैट मींस मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंट डब्ल्यू बाई भी कितना है बेटा, 18% इंटू 10, और मॉलिकुलर मास कितना हो गया 180। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मोलर मिल जाएगा। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और एक और मेथड मैंने बताया आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले कॉपी करें, अगले टाइप के तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप नंबर 6, गिवन ऑन क्वेश्चन परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ग्राम पर लीटर में यहां पे डेंसिटी दिया जाएगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। यहां पे परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है बेटा कितना, 10%। और आपको पता है कि जब भी परसेंटेज वाला टर्म आता है हम लोग तीन चीज सोचते हैं, एक हो गया सर सॉल्यूट, एक हो गया हमारे पास सर सॉल्यूशन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और एक होगा सर हमारे पास सॉल्वेंट दैट इज अ डब्ल्यू बी, ठीक है। प्रिडिक्ट करो क्या क्या है, पहले परसेंटेज आया सॉल्यूशन फिक्स हो गया कितने का, 100 ग्राम का, क्योंकि डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा रखा हूं मैं। अब 100 ग्राम में से 10 ग्राम आपके पास क्या है बेटा, ग्लूकोज प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 10 डेट विल बी 90 ग्राम हो जाएगा, होगा। और मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं, दैट इज C6H12O6, ये कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल होता है। अभी आप लास्ट वाला क्वेश्चन में भी ये बात कर चुके हैं। अब जरा सोच के देखिए, क्वेश्चन में एक और चीज दिया गया बेटा क्या, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, आपके पास डेंसिटी कितना है, 1.2 ग्राम पर ml है, ठीक है। यहां पे आप चाहो ना तो डेंसिटी ले सकते हैं d ग्राम पर ml में भी आप सोच सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसलिए घबराना नहीं है। तो डेंसिटी क्या हो गया, 1.2 ग्राम पर ml आप सोच सकते हैं। अब यहां पे एक चीज देखोगे तो ये जो डेंसिटी है आपका, वो डेंसिटी किसका है बेटा, सॉल्यूशन का डेंसिटी है। किसका डेंसिटी है, सॉल्यूशन का, मतलब सॉल्यूशन का डेंसिटी जो आपके पास है वो 1.2 ग्राम पर ml है। अब यहां पे एक चीज जरा समझना, 1.2 ग्राम पर ml कहने का मतलब क्या है, सर अगर सॉल्यूशन हमारे पास 1.2 ग्राम होता है ना तो उसके बराबर हम लोग 1 ml मान के चले। भाई 1.2 ग्राम पर ml का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि 1 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या है कि सर कोई गाड़ी है 1 सेकेंड में 1 मीटर का दूरी तय करेगा। फिर अगर मैं बोलूं कि 15 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या है कि जब 1 सेकेंड होंगे ना तो 1 सेकेंड में वो गाड़ी 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। अब इसी फंडा को आप यहां पे इस्तेमाल करें, 1.2 ग्राम पर ml सॉल्यूशन का मतलब क्या है
कि सर 1 ml में कितना ग्राम होगा सॉल्यूशन का, 1.2 ग्राम हो जाएगा सॉल्यूशन का। अब इसी चीज को अगर मैं यहां पे इस्तेमाल कर लूं कि आप यहां पे सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं कि सर 1.2 ग्राम सॉल्यूशन इसमें कितना ml मिल जाएगा बेटा, 1 ml मिल जाएगा। कितना ml मिल जाएगा, 1 ml। भाई इसका मतलब वही होता है, तो हमारे पास 1 ग्राम पर कितना हो जाएगा, दैट इज 1/1.2 ml हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे एक चीज, तो आप डेंसिटी किसका बात किए थे, सॉल्यूशन का ना, और नेट सॉल्यूशन हमारे पास कितना है बेटा, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन होता है तो आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना मिल जाएगा, तो 100/1.2 ml मिल जाएगा। अब देखो वॉल्यूम मिल गया ml पर कितना, 100/1.2 ml, है ना। और साथ में जो वेट ऑफ सॉल्यूट था वो कितना मिल चुका था बेटा, 10 ग्राम मिल चुका था, है ना। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, मोलारिटी बराबर WA/molecular mass of A इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अभी पढ़ चुके हैं जस्ट, अब सारे वैल्यूज को जरा आप पुट कर दीजिए। अगर आप सारे वैल्यूज को पुट करते हैं तो मोलारिटी बराबर WA कितना हो गया बेटा 10, मॉलिकुलर मास हो गया 180 इंटू 1000 और वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 100/1.2। अच्छा 1.2 ऊपर चला जाएगा ना आपका, 1.2 किधर चला जाएगा, ऊपर। तो अगर 1.2 को ऊपर भेज दें तो मोलारिटी बराबर 10/180 इंटू 1000/100 इंटू क्या होगा 1.2 होगा। अब इसको जरा आप सॉल्व करके देखें क्या आता है, एक जीरो सब जीरो यहां से कैंसिल आउट हो गया आपका, ये पॉइंट भी खत्म हो गया। तो आपके पास जो मोलारिटी मिला दिस इज अ 12/18, है ना, 2 से चला जाएगा ना, 2/3 कितना कट होगा, 6/9 होगा, 9 या फिर आप ले सकते हैं 2/3 ले सकते हैं, 2/3 मोलर हो जाएगा। कर पाओगे? तो एक तो ये तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और तरीका है, पहले इसको आप कॉपी करो, उसके बाद हम लोग वो तरीके भी बात कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए एक और मेथड है यहां पर, उसके लिए भी बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कि क्वेश्चन में हमारे पास परसेंट W/W दिया गया हो और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया, तब आप मोलारिटी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, परसेंट W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10/ हो गया बेटा मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें, PQ वाला प्रीवियस क्वेश्चन, तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमारे पास परसेंट W/W कितना था, 10%, और डेंसिटी कितना था, 1.2 ग्राम पर ml। यानी कि अगर परसेंट W/W देखें यहां पर, तो ये तो हो गया सर 10%, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना था बेटा, 1.2 ग्राम पर ml था। अरे था ना। अब ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर ले, मोलारिटी बराबर परसेंट W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10/ क्या होगा, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्यूट ग्लूकोज था ना, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हो यहां पे क्या यूज किया गया था, सॉल्यूट ग्लूकोज यूज किया गया था। तो ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल, हमेशा याद रखना है इसको। तो मोलारिटी बराबर परसेंट W/W कितना हो गया बेटा 10, डेंसिटी हो गया 1.2 इंटू 10 और मॉलिकुलर मास कितना हो गया 180। ये पॉइंट, ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, तो बचा कितना 12/18, यानी कि 2/3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कर सकते हो? तो आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके सही है। अब मैटर करता है कि आपको कौन सा तरीका पसंद आ रहा है, ठीक है। चलिए इसी में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन एक और है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट शुड बी द मोलारिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर ml। हमारे पास देखो एक तो दिया गया है सर परसेंट W/W,
कहां पर देखो 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास, इसका मतलब क्या है कि परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कितना है बेटा, तो 68% है। साथ में यहां पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दिया गया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, तो 1.504 ग्राम पर एमएल दिया गया है। और आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मॉलिकुलर मास या फिर आणविक द्रव्यमान कितना होता है बेटा, 63 ग्राम पर मोल होता है, होता है कि नहीं। तो हम लोग मोलारिटी निकाल लें, फॉर्मूला जानते हैं, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 अपॉन क्या होगा बेटा, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा, है ना। तो मोलारिटी बराबर परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कितना है 68%, यानी 68 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1.504 इंटू 10 और मॉलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना हो गया 63 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा कितना, लगभग 16.23 मोलर, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 16.23 मोलर होगा, ठीक है ना। तो पहले आप इसको जरा कॉपी करो, फिर अगले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़े तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन दैट हैज अ डेंसिटी 1.84 ग्राम पर सीसी। आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है बेटा कितना, 1.84 ग्राम पर सीसी। पर सीसी कहने का मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं क्या, 1.84 ग्राम पर एमएल। आप देखो एक चीज, आप एक एमएल को ना एक सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं और एक सीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंड यहां पे परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू गिवेन है कितना बेटा, दिस इज 98%। अब ये क्वेश्चन आपके पास पीएमटी 1996 में पूछा गया था, ठीक है। मोलारिटी का फॉर्मूला जानते हैं, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 डिवाइड बाई क्या होगा, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट के रूप में आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो मोलारिटी बराबर परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कितना बेटा, 98%। डेंसिटी कितना है, 1.84 इंटू 10 एंड मॉलिकुलर मास कितना हो गया, 98 हो गया। इससे ये और ये कट गया, यहां पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 18.4 मोलर। 18.4 मोलर यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कर सकते हैं, पहले इसको कॉपी करो फिर मूव करते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बात करें बेटा, क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर HCl। प्योर HCl का मोलारिटी कितना होगा, देखो डेंसिटी हमारे पास गिवन है कितना, 1.2 ग्राम पर एमएल, 1.2 ग्राम पर एमएल। अब इस डेंसिटी वाला जो वैल्यू है, इससे हमें बात क्लियर हो चुकी है कि सर वॉल्यूम आपके पास कितना यूज किया गया बताओ, तो 1 एमएल यूज किया गया है, और वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर HCl कितना यूज किया गया, 1.2 ग्राम इस्तेमाल किया गया है। तो यही तो होता है 1.2 ग्राम पर एमएल का मतलब कि 1 एमएल में कितना ग्राम हो गया, 1.2 ग्राम हो गया, कितना 1.2 ग्राम हो गया। अब मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज अ डब्ल्यू ए बाई मॉलिकुलर मास ऑफ ए इंटू 1000 बटा क्या होगा, वी एमएल हो जाएगा। यानी मोलारिटी बराबर क्या होगा, देखो तो डब्ल्यू ए हो गया सर कितना, 1.2, मॉलिकुलर मास ऑफ HCl कितना, 36.5 होगा इंटू 1000, और वॉल्यूम आपके पास कितना हो गया बेटा, 1 एमएल हो गया। अब जरा सॉल्व करके देखें, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट होगा तो 12000 बटा कितना आ जाएगा, 365 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 32.87 मोलर, ठीक है। तो प्योर HCl का डेंसिटी अगर 1.2 ग्राम पर एमएल है ना, तो उसकी मोलारिटी कितनी मिलती है, 32.87 मोलर मिलती है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है हमारे पास कि द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और हमेशा इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल के और भी कैलकुलेशन के दौरान करते हैं हम लोग। इस चीज को हमेशा ध्यान देना और बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन कह रहा है द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का डेंसिटी कितना है बेटा, 1 ग्राम पर एमएल दिया गया है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा कहूं कि सर 1 ग्राम में कितना एमएल वाटर होगा, 1 एमएल वाटर होगा। भाई 1 ग्राम में 1 एमएल वाटर है, इसका मतलब 18 ग्राम में कितना हो जाएगा बताओ, तो 18 एमएल पानी हो जाएगा, है ना।
18 ml पानी हो जाएगा। आप चाहो तो 1 ग्राम को 1 ml के बराबर भी मान करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं 18 ग्राम के बराबर मान के चलता हूं। क्यों? क्योंकि सर वाटर की एक बूंद भी अगर है ना तो उसका मॉलिकुलर मास कितना होता है? 18 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहां पर जो वेट है डब्ल्यू ए दिस इज 18 ग्राम और वॉल्यूम आपके पास है वी एम एल कितना बेटा 18 ml। और मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर की बात भी करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो मोलारिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लो, क्या फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए बाई मॉलिकुलर मास ऑफ ए इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा बेटा वी एम एल हो जाएगा। अब सारे वैल्यूज को रख दो जरा, तो मोलारिटी बराबर डब्ल्यू ए कितना है 18 ग्राम, मॉलिकुलर मास कितना हो गया 18 into 1000 और वॉल्यूम आपके पास कितना है 18 ml है, यानी यहां पे 18 हो जाएगा। ये और ये कटेगा, इसको सॉल्व करोगे आएगा 55.5, यानी कि मोलारिटी कितना मिल गया 55.5 मोलर मिल गया। कर सकते हो? अच्छा यहां पे समझना है चीज, अगर आप डब्ल्यू ए के जगह पे 1 ग्राम इस्तेमाल करते हैं और वॉल्यूम की जगह पे 1 ml इस्तेमाल करते हैं तब भी आपका आंसर वही आएगा। मैं बस एक के जगह पे 18 इस्तेमाल किया तो 1 ml के यहाँ पे भी 18 ml इस्तेमाल किए हुए है ना, ताकि आप यहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर इस फॉर्मेट से भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर सही आएगा और इस फॉर्मेट से भी सोचेंगे तब भी आंसर वही आएगा। ठीक ना, तो पहले जरा आप इसको कॉपी कर लो इन दोनों क्वेश्चन को, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास टाइप नंबर 7 पर मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन एंड मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। सबसे पहले आप बात कर लो मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन की, मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन की इसकी बात कर लो। डाइल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन को आपको पतला बनाना है, सॉल्यूशन पहले से गाढ़ा था अब आप उसको पतला बनाने वाले हो। अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि सर एक सॉल्यूशन है सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक ना, अब इस सॉल्यूशन की मोलारिटी आपके पास m1 है और वॉल्यूम आपके पास v1 है, ऐसा आप मान करके चलो। अब मैं क्या किया कि इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, क्या कर दिया बेटा डाइल्यूट कर दिया। तो जब आप इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो दूसरा जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसको मैं नाम दे दिया सॉल्यूशन नंबर 2। भाई इसमें पानी आपने मिला दिया तो पानी मिलाने के बाद सॉल्यूशन पतला हो जाएगा ना, तो सॉल्यूशन जो पतला हुआ उसको मैंने नाम दिया सॉल्यूशन नंबर 2 और इस सॉल्यूशन नंबर 2 की मोलारिटी को मैंने m2 कह दिया और वॉल्यूम को सर हमने v2 कह दिया। अब एक चीज जरा समझना, आप यहां पे सिर्फ डाइल्यूट का इस्तेमाल करने वाले हैं। डाइल्यूट का मतलब यह है कि आप इस सॉल्यूशन में पानी भरते चले जाओगे, यह सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा। इसका मतलब है कि सॉल्यूट को तो आपने कॉन्स्टेंट रखा है, भाई आपने सॉल्वेंट ऐड किए हो ना तो सॉल्यूट तो आपका कॉन्स्टेंट था। तो अगर मैं इसको ऐसा दिखाऊं कि मोलारिटी इज इक्वल टू मोल बाई वॉल्यूम होता है ना, अगर मैं इस मोल को बेटा कांस्टेंट बना दूं, क्या बना दूं कांस्टेंट बना दूं, तो क्या लिख सकते हैं मोलारिटी इनटू वॉल्यूम क्रॉस मल्टीप्लाई कर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट लिख सकते हैं। यानी इस वाले सॉल्यूशन पर आपको बोलना पड़ेगा एम वन वी वन इज इक्वल टू कांस्टेंट और इस सॉल्यूशन पर देना पड़ेगा M2 V2 equal to constant, ठीक ना। अब देखें राइट वाला पार्ट कॉन्स्टेंट है तो लेफ्ट वाला पार्ट भी क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, यानी रिलेशन क्या मिलेगा M1 V1 is equal to होगा बेटा M2 V2 होगा। ये वाला फॉर्मूला आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जा रहा होगा, क्या किया जा रहा होगा डाइल्यूट किया जा रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपके पास यहां पर एक और पार्ट बना है वो है मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पे मोलारिटी ऑफ मिक्सचर की, तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर कैसे सोचेंगे जरा देखो, मिक्सचर कहने का मतलब है कि दो सॉल्यूशन को आपस में मिला देना है। जैसे एक सॉल्यूशन नंबर 1 सोचा मैंने यहां पर, अब इस सॉल्यूशन की मोलारिटी मैंने एम वन बोला और वॉल्यूम सर हमने वी वन बोला, ठीक ना। फिर एक और सॉल्यूशन हम लोग सोच लिए सॉल्यूशन नंबर 2 और इस सॉल्यूशन की मोलारिटी m2 बोला और वॉल्यूम आपने v2 बोला। अब इन दोनों सॉल्यूशन को आपने मिक्स कर दिया, क्या कर दिया मिक्स्ड। तो मिक्स करने के बाद एक तीसरा सॉल्यूशन बना
और इस तीसरे सॉल्यूशन को मैं एमटी टोटल मोलारिटी बोल लेता हूं या रिजल्टेंट मोलारिटी बोल लेता हूं, और वीटी मतलब टोटल वॉल्यूम हो गया, दिस इज टोटल वॉल्यूम। अच्छा एक चीज, यहां पे जो टोटल वॉल्यूम होगा ना, दिस विल बी सम ऑफ वी वन प्लस वी टू। आप कैसे सोच रहे हैं, अब जरा सोचो कि इस सॉल्यूशन में 10 लीटर पानी भरा हुआ था, या फिर 10 लीटर का सॉल्यूशन था इसके अंदर, और यहां पे भी 10 लीटर का सॉल्यूशन था, भाई इन दोनों को मिला देंगे एक ही कंटेनर में तो सॉल्यूशन 20 लीटर का हो जाएगा ना, 10 लीटर यहां से 10 लीटर यहां से, मतलब वी वन प्लस क्या किया आपने, वी टू किया। अब देखें जरा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एम टोटल और वी टोटल ये किसके बराबर हो सकता है, तो सर इसका और इसके सम के बराबर हो सकता है, सही बात तो है, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, दैट इज एम वन वी वन प्लस क्या ले सकते हैं, एम टू वी टू ले सकते हैं। और हम लोग ये तो जान चुके हैं कि वी टोटल जो होगा, दिस इज वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू होगा एम वन वी वन प्लस क्या होगा बेटा, एम टू और वी टू हो जाएगा, है ना। अब यहां से आप एम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एम टोटल आपके पास क्या मिल गया, एम टोटल इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइड बाई क्या हुआ बेटा, वी वन प्लस वी टू हुआ, कर सकते हैं। तो ये वाला आप फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास मिक्सचर की बात हो रही होगी, किसकी बात हो रही होगी, मिक्सचर की बात हो रही होगी, ठीक है ना। तो पहले तो आप जरा इसको कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए बच्चों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक बेसिक थिंग है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन में कभी कभी मोलर सॉल्यूशन कहता है, तो मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है उसकी मोलारिटी एक है, कितनी है, एक है। फिर कभी कभी सेमी मोलर सॉल्यूशन भी कहता है, सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, मतलब मोलारिटी कितना होगा, आधा होगा, यानी 0.5 मोलर के बराबर होगा। फिर कभी कभार डेसी मोलर भी टर्म यूज करता है, डेसी मोलर का मतलब होता है मोलारिटी का 1/10, 1/10, इसका मतलब क्या है, 1। सेमी का मतलब क्या है बेटा, 1/2 मोलर, सेमी का मतलब क्या होता है, 1/2 मोलर, यानी मोलारिटी का आधा। डेसी मोलर कहने का मतलब क्या है कि 1/10 मोलर, 1/10 मोलर, यानी कि आप 0.1 मोलर सोच सकते हैं। सेंटी मोलर का मतलब क्या है, सेंटी का मतलब होता है 1/100, 1/100 मोलर, या फिर आप 0.01 मोलर कह सकते हैं। और मिली मोलर कहने का मतलब क्या है, 1/1000 मोलर, मतलब इसमें मोलर सॉल्यूशन का मतलब 1 मोलर, सेमी मोलर का मतलब 1/2 मोलर, डेसी मोलर का मतलब 1/10 मोलर, सेंटी मोलर का मतलब 1/100 मोलर, और मिली मोलर का मतलब क्या होता है, 1/1000 मोलर। ये आपको थोड़ा सा माइंड में बैठा के चलना पड़ेगा ताकि न्यूमेरिकल्स आपसे आसानी से बन सके। अब यहां पे एक क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं, क्या क्वेश्चन है बेटा, इफ 250 ml ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ वाटर टू अ वॉल्यूम ऑफ 500 ml, द न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज। सबसे पहले आप एक काम करो कि हम लोग सॉल्यूशन वन कह लेते हैं, इसमें जो आपको मोलारिटी मिला वो आप मान लो कितना है, 0.25 मोलर है, और यहां पे जो वॉल्यूम है ये कितना है बेटा, 250 ml है। अब बोला गया कि आप इसको सर डाइल्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, पतला बना रहे हैं इसको, तो पतला बनाने के बाद ये सॉल्यूशन नंबर टू तक पहुंच गया होगा। अब सॉल्यूशन नंबर टू की मोलारिटी कितनी हो गई है भाई, निकालना है आपको ना, न्यू कॉन्सेंट्रेशन है ये निकालना है आपको, और टोटल वॉल्यूम सेकेंड सॉल्यूशन पे कितना हो जा रहा है, 500 ml के बराबर हो जा रहा है। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 250 ml ऑफ 0.25 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, यहां पे मोलारिटी 0.25 और वॉल्यूम हो गया 250 ml, इसको आपने डाइल्यूट कर दिया, पतला कर दिया, तो पतला करने के बाद क्या बोल रहा है, टू अ वॉल्यूम ऑफ 500 ml, तब तक इसमें पानी मिलाते रहना है जब तक कि वॉल्यूम 250 ml से 500 ml तक नहीं हो जाता है। अब एक मतलब 500 ml पहुंच गया, अब आपको पानी डालना बंद कर देना है। हम लोग जानते हैं मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन से,
किससे बेटा? मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन से, जो अभी आपने पढ़ा कि सर M1V1 ये किसके बराबर होता है, तो M2V2 के बराबर होता है। अब M1 कितना है बेटा? 0.25, वॉल्यूम हो गया सर 250। M2 और V2 आपके पास कितना हो गया बेटा? 500 हो गया। कर सकते हैं, 250 से कितना बार में जाएगा? दो बार में, यानी मोलारिटी जो मिल जाएगा वो आएगा 0.25 बटा 2, सॉल्व करेंगे आएगा 0.125 मोल। मतलब 250 ml सॉल्यूशन को 500 ml तक पहुंचाने के दौरान इसकी मोलारिटी कितनी मिल जाएगी? तो 0.125 मोलारिटी मिल जाएगी। कर सकते हैं, पहले इसको कॉपी कर लो, फिर यहां पे कुछ और क्वेश्चंस की बातें करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो एक क्वेश्चन और दिया गया है, कैलकुलेट द मोलारिटी व्हेन 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। क्या कह रहा है कि सर एक जो सॉल्यूशन था हमारे पास, ये सॉल्यूशन की मोलारिटी कितना था? 0.5 मोलर था, और इसका वॉल्यूम कितना था? तो 30 ml था। कितना था बेटा? 30 ml। इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। सर इसको आपने डाइल्यूट करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया? डाइल्यूट। अब डाइल्यूट करने के बाद कहता है कि इसकी वॉल्यूम जो है आपका वो 500 ml तक पहुंच जा रहा है। कहां तक? 500 ml तक पहुंच जा रहा है। तब इस समय उसकी मोलारिटी कितनी होगी? यही आपसे क्वेश्चन पूछना है। दिस इज अ सॉल्यूशन नंबर 2। तो सिंपल सा है, क्या फॉर्मूला लगा लोगे? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना है बेटा? 0.5। V1 हो गया सर 30। M2 कैलकुलेट करना है, V2 हो गया सर 500। सॉल्व करें, ये पॉइंट हटा, जीरो चला गया। 5 से कितना बार में गया? 100 बार में। डैट मीन्स M2 बराबर कितना मिल गया? तो 3/100। सॉल्व करेंगे आएगा 0.03। कर सकते, बहुत सिंपल सा था, कॉपी करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर अगर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 250 ml ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन कंटेन्स 2.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमारे पास सर एक सॉल्यूशन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब ये सॉल्यूशन है कितना बेटा? 250 ml। वॉल्यूम कितना है? 250 ml है, ठीक ना। और इसका वेट कितना दिया गया? 2.5 ग्राम। WA ये कितना है? तो 2.5 ग्राम है। मॉलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है बेटा? 100 ग्राम पर मोल होता है। भाई आपको निकालने आता होगा, कैल्शियम का हो गया 40, कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का हो गया 48। सबको जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा? 100 ग्राम पर मोल मिल जाएगा। अब पहले इस पार्ट पे मोलारिटी आप फाइंड आउट करो। फॉर्मूला जानते हैं, WA / मॉलिकुलर मास इनटू 1000 / क्या होगा? VML होगा, ठीक ना। तो मोलारिटी बराबर WA कितना हो गया बेटा? 2.5। मॉलिकुलर मास हो गया सर 100 इनटू 1000, और वॉल्यूम आपके पास कितना हो गया बेटा? देखो तो कितना हो गया वॉल्यूम? 250 हो गया। कितना बार में जाएगा बेटा? 4 बार में जाएगा। अच्छा ये पॉइंट हटेगा, तो यहां पे पॉइंट लगा दो। 25 से कितना बार में? 4 बार में। और 4 से जब ये कटेगा तो कितना मिल जाएगा? 0.1 मोलर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 0.1 मोलर मिल जाएगा। मतलब इसकी मोलारिटी आपको पता चल गई। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, एकदम ध्यान से देखते चलना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये जो सॉल्यूशन था आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट वाला, अब इस कैल्शियम कार्बोनेट की जो मोलारिटी आपको मिल गई थी, दैट इज M1, कितना मिला था बेटा? 0.1 मोलर मिला था, है कि नहीं। और जो वॉल्यूम था यहां पर वो कितना था? 250 ml था। अब क्या कह रहा है सुनो, कह रहा है कि इफ 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। क्या कह रहे कि अभी यहां पे 250 ml का सॉल्यूशन था ना, अब इस 250 ml में से सिर्फ 10 ml निकालना है। आप ऐसे समझो कि एक बोतल में कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है, या फिर आप इसको सिंपल सा भाषा में समझ लो ताकि ये बात समझ में आ जाए कि एक सॉल्यूशन है, उसमें आपने शरबत बनाया, शरबत बनाया आपने 250 ml, है ना।
250 ml शरबत बनाया और उसकी मोलारिटी आपको मिली 5 मोलर। कितनी मोलर मिली? 5 मोलर, सपोज कर लो ऐसा, ठीक ना। अब हमने ऐसा किया कि उस शरबत वाले सॉल्यूशन से हमने 10 ml बाहर निकाला, मतलब इस कंटेनर में कितना बच गया? 240 ml, और यहां पे कितना आ गया? 10 ml आ गया। और एक चीज और बात है, जितना शरबत यहां मीठा होगा ना, उतना ही शरबत यहां भी मीठा होगा, यानी जितना मोलारिटी यहां पर होगा ना, उतना ही मोलारिटी यहां पर भी होगा। सिर्फ आपने 10 ml को बाहर निकाला है, बचाया कितना है? 240 ml। वही चीज यहां पे कह रहा है कि इफ 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसमें से हमने सिर्फ कितना सॉल्यूशन उठाया बेटा? 10 ml। मतलब सॉल्यूशन आपने कितना पिक किया? 10 ml। सॉल्यूशन आपने 10 ml पिक किया, मोलारिटी अभी भी कितना रहेगा बेटा? 0.1 मोलर ही रहेगा, क्योंकि सर ये जो सॉल्यूशन है ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला ही है। आपने सिंपल क्या किया, इस कंटेनर में से 10 ml बाहर निकाला आपने, तो जितना मीठा यहां होगा उतना ही मीठा यहां पर भी होगा। अब इस 10 ml वाले सॉल्यूशन को 1 लीटर तक हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर दिए बेटा? डाइल्यूट कर दिए, डाइल्यूट कर दिए। अब जब डाइल्यूट किए तो यहां पर आगे क्या कह रहे हैं, 1 लीटर तक डाइल्यूट कर रहे हैं ना, मतलब इसका जो V2 होगा, आप चाहो तो 1 लीटर कह लो या फिर चाहो तो 1000 ml कह लो, बात बराबर पड़ेगा। तब इस समय इसकी मोलारिटी कितनी होगी, यही आपसे सवाल पूछ रहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख लो। तो यहां पे फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, M1V1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? M2V2 हो जाएगा। M1 कितना? 0.1, V1 कितना? 10, M2 आपको निकालना था और V2 कितना हो गया सर? 1000 हो गया। अच्छा, ये पॉइंट से हटा, जीरो कैंसिल, तो M2 बराबर क्या मिल गया? तो 1 अपॉन हो गया बेटा 1000। सॉल्व करेंगे तो 0.001 मोलर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहां पे ध्यान सिर्फ यही देना था कि इस वाले सॉल्यूशन से आपको सिर्फ 10 ml ही बाहर निकालना था। तो जब सेम सॉल्यूशन से आप बाहर निकाल रहे हैं ना, तो यहां पे जितना मोलारिटी होगा उतना ही मोलारिटी आपको यहां भी सोचना होगा। कर सकते हैं, पहले इसको आप कॉपी कर लो, उसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 250 ml ऑफ अ कार्बोनेट सॉल्यूशन कंटेन्स 2.65 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इस बार सॉल्यूशन के रूप में है सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हमारे पास। अब यहां पर जो वॉल्यूम मिला है, दिस इज अ 250 ml, है ना, और जो वेट दिया गया है वो है आपके पास 2.65 ग्राम, और मॉलिकुलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है? 106 ग्राम पर मोल है। तो मॉलिकुलर मास है आपके पास कितना बेटा? 106 ग्राम पर मोल। अब सिंपल मोलारिटी फाइंड आउट करें, फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू ए बाई मॉलिकुलर मास ऑफ ए इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा बेटा? वी एम एल हो जाएगा, दैट इज मोलारिटी बराबर। डब्ल्यू ए कितना है बेटा? 2.65, मॉलिकुलर मास कितना हो गया? 106 गुने हो गया 1000 बटा क्या हो गया? 250 हो गया। आप इसको भी सॉल्व करोगे ना तो 0.1 मोलर ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना इसको, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमारे पास एक तो मिला सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। अब इस सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन की जो मोलारिटी मिली थी हमारे पास वो 0.1 मोलर मिला था, और वॉल्यूम कितना मिला था हमारे पास? 250 ml था, मतलब 250 ml था और 0.1 मोलर इसका मोलारिटी मिला हुआ था। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इससे कितना बाहर निकालना है बेटा? सिर्फ 10 ml। कितना निकालना है? 10 ml ही बाहर निकालना है, मतलब अभी भी इसका मोलारिटी कितना रहेगा? 0.1 मोलर रहेगा, लेकिन इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? तो सर 10 ml हो जाएगी, क्योंकि यही वाले सॉल्यूशन से 10 ml बाहर निकाले, मतलब यहां पे 240 ml बचा होगा। समझ रहे बात? क्या कह रहे कि इज एडेड टू x ml ऑफ वाटर। अब इसमें जो है हम लोग x ml पानी ऐड कर दे रहे हैं,
XML वाटर ऐड, इसमें XML आपने पानी ऐड कर दिया, टू ऑब्टेंड 0.001 मोलर सोडियम कार्बोनेट। अब पानी ऐड कर दिए तो ये डाइल्यूट हो गया सर, क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। अब जब ये डाइल्यूट हुआ तो इसकी मोलारिटी कितनी पहुंच जा रही है बेटा, ये हो जा रही है 0.001 मोलर। अच्छा यहां पे V2 कितना होगा बताओ, तो कितना होगा कि भाई यहां पे 10 ml था ना, 1 ml पानी मिला दिया तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 10 + 1 ml, 10 + 1 ml ऐसे तो निकालेंगे। नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन M1V1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, M2V2 होगा। M1 कितना है 0.1, वॉल्यूम हो गया 10 ml। M2 कितना बेटा 0.001 एंड V2 कितना तो 10 + 1 हो गया, होगा। अब ये पॉइंट उड़ा, जीरो खत्म, ये पॉइंट उड़ा तो 1000 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1000 इज इक्वल टू आ गया 10 + 1, देयरफॉर x बराबर कितना मिलेगा 1000 - 10 दैट विल बी 990 ml, कितना 990 ml पानी ऐड करेंगे तब इसकी मोलारिटी कितनी पहुंचेगी 0.001 मोलर पहुंचेगी। कर सकते हैं, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन लगभग लगभग आपका सेम सेम था, बस थोड़ा सा आपका डिफरेंस था। पहले इसको कॉपी करो फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट करके बनाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सबसे पहले रिएक्शन देखो क्या कह रहा है, रिएक्शन है सर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, रिएक्ट किया बना दिया जिंक सल्फेट और साथ में बना दिया सर कॉपर, रिएक्शन संतुलित है क्या। देखो तो जिंक एक जिंक एक जिंक बैलेंस है, कॉपर एक कॉपर एक कॉपर भी बैलेंस है, सल्फेट एक सल्फेट एक सल्फेट भी बैलेंस है आपका। इसका मतलब अगर मैं यहां पे स्टीचियोमेट्रिक लिखूं, स्टीचियोमेट्री अगर लिखूं यहां पर, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप एक इस्तेमाल किए तो एक मोल हो गया यहां पर, इसको भी संतुलित करने के लिए एक इस्तेमाल किए तो 1 मोल यहां पर हो गया, इसको भी संतुलित करने के लिए 1 इस्तेमाल किए तो 1 मोल हो गया, और इसको भी आप बैलेंस करने के लिए 1 का इस्तेमाल किए तो 1 मोल ये भी हो गया। कह रहे कि इफ एक्सेस ऑफ जिंक इज एडेड, जिंक को आपने क्या लिया है, एक्सेस लिया है, एडेड टू 100 ml एंड 0.5 मोलर कॉपर सल्फेट, इसकी मोलारिटी कितनी है बेटा 0.5 मोलर है और इसका वॉल्यूम कितना है बेटा तो 100 ml है ना, और मोलारिटी जानते हैं हम लोग क्या होता है, मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100, क्योंकि आप मोल में स्टीचियोमेट्रिक देख रहे हो ना, तो आप इसको भी मोल बना लो जरा, तो मोलारिटी कितना है बेटा 0.5, वॉल्यूम हमारे पास कितना है 100 × हो गया आपके पास 1000। अच्छा जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर मोल बराबर कितना मिला 0.5/10, दैट मींस सॉल्व करेंगे आएगा 0.05। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ कॉपर फॉर्म्ड इन मोल विल बी, देखो तो यहां से आप यहां सोच लो जरा, यहां से यहां सोचो भाई, कॉपर सल्फेट से ही ना कॉपर बनेगा आपका, जिंक से कॉपर बन नहीं सकता, तो कॉपर सल्फेट से क्या बन रहा होगा, कॉपर बन रहा होगा, कॉपर का ही तो अमाउंट पूछा है ना, कहां से बनेगा, कॉपर सल्फेट से बनेगा, तो हम लिख सकते हैं यहां पे, चूंकि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कॉपर, देख लो स्टीचियोमेट्रिक से 1 मोल से कितना मोल कॉपर बना, 1 मोल बना भाई, 1 मोल से 1 मोल बना तो 0.05 मोल से कितना बनेगा 0.05 मोल, 0.05 मोल से कितना बन जाएगा बेटा 0.05 मोल बन जाएगा, यानी कि मोल ऑफ कॉपर कितना मिला 0.05 मोल। कर सकते हो, चलिए इसको कॉपी करो, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ
50 ml of 0.1 molar NaCl and 50 ml of 0.1 molar BaCl2 are mixed. सबसे पहले एक तरफ है बेटा NaCl solution. इसको मान लो आप 1. क्या मान लो? 1 मान लो. अब इसकी जो मोलारिटी है M1 कितना है? 0.1 मोलर. और इसकी वॉल्यूम है V1 कितना बेटा? 50 ml. और एक और सॉल्यूशन है हमारे पास, कौन सा? BaCl2 सॉल्यूशन. इसको मान लो आप 2. क्या मान लो? 2 मान लो. और इसकी जो मोलारिटी है M2 वो कितना है? 0.1 मोलर. और इसकी वॉल्यूम भी आपके पास कितना है सर? तो 50 ml है. कह रहा है कि मिक्स किया गया इनको. इसको आपने क्या कर दिया बेटा? मिक्स कर दिया. तो मिक्स करने के बाद M टोटल बना होगा और V टोटल बना होगा. अच्छा, V टोटल कितना होगा? दिस इज द सम ऑफ V1 प्लस V2. अभी जस्ट पढ़ाया था ना, V1 हो गया 50 ml और V2 हो गया 50 ml. तो 50 प्लस 50 कितना हो गया? 100 ml हो गया. अब आपसे यहां पे एक सवाल पूछा है कि मोलारिटी ऑफ क्लोराइड आयन इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन. सिर्फ क्लोराइड आयन का, सबका नहीं, सिर्फ क्लोराइड आयन का. ठीक है ना? कैसे निकालोगे देख लो. लिखते हैं हम लोग M टोटल और V टोटल. ये किसके बराबर होगा बेटा? M1 V1 प्लस M2 V2 के सम के बराबर होगा. अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने. तो M1 V1 प्लस क्या होगा? M2 V2 होगा. यानी कि M टोटल आप क्या लिख सकते हैं? दिस इज अ M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई क्या हुआ बेटा? V1 प्लस V2 हुआ. अच्छा, V1 प्लस V2 कितना आ चुका है? 100 ml आ चुका है ना. चलिए पुट कीजिए यहां. M टोटल इज इक्वल, ध्यान से देखना एकदम, M1 कितना है? 0.1 पुट कर दो. वॉल्यूम कितना है आपके पास? 50. और एक चीज यहां पे ऐड होगा देखना, NaCl में क्लोराइड कितना है सर? नंबर ऑफ क्लोराइड यहां पर कितना है? 1. क्लोराइड का ही ना निकालना है, तो इसमें क्लोराइड आपको पता रखना पड़ेगा ना. तो क्लोराइड हो गया सर 1 प्लस. आगे बढ़िए, M2 कितना हो गया सर? 0.1. V2 कितना हो गया सर? 50. और BaCl2 में क्लोराइड देखो तो कितना है? नंबर ऑफ क्लोराइड देखो तो बाबू कितना है? 2 है ना सर. यहां पे 2 हो जाएगा, यानी यहां पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. डिवाइड बाय V1 प्लस V2 कितना है बेटा? 100 ml है. इसको पुट कर लो आप. अब सॉल्व करो, ये पॉइंट हटेगा 0 खत्म, ये पॉइंट हटेगा 0 खत्म. क्या मिला? M टोटल इज इक्वल टू 5 प्लस 5 दुनी की 10, 10 बटा क्या हो गया? 100. दैट मींस M टोटल कितना मिल गया? 15 बटा 100. दैट मींस आंसर आया 0.15 मोलर. दिस इज अ मोलारिटी ऑफ क्लोराइड आयन इन द मिक्सचर. ठीक है, तो याद रखना क्लोराइड आयन का सिर्फ बोला है, तो आपको क्लोराइड आयन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसकी संख्या को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तभी आपका क्लोराइड आयन का मिल पाएगा. कर सकते हैं, कॉपी करो. फिर बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ. चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ अनदर 3 लीटर ऑफ 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. ठीक है, हमारे पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 1. ये भी सॉल्यूशन किसका है बेटा? NaOH का है ना. इसकी मोलारिटी कितनी है? 1 मोलर है, M1 मान लो. V1 कितना है बेटा? ये दिया गया 2.5 लीटर. इज मिक्स्ड विथ अनदर 3 लीटर सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन नंबर 2 है, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही है. इसकी जो मोलारिटी है M2 कितना है बेटा? 0.5 मोलर. और इसका जो वॉल्यूम है आपके पास वो कितना है? 3 लीटर है. आगे कह रहा है देन फाइंड आउट मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन. बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो इस टाइप का मेडिकल में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ा दिया मैंने. अच्छा, इन दोनों को अगर मैं मिक्स करता हूं बेटा, क्या करता हूं? मिक्स करता हूं, तो एम टोटल आपको पता करना है और भी टोटल कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ भी टोटल कितना होगा सर? यहां पे 2.5 ml, यहां पे 3 ml, मतलब V1 प्लस V2 होगा सर, दैट इज 2.5 प्लस कितना होगा? 3, यानी कितना मिल जाएगा?
तीन दो पांच यानी कि 5.5 लीटर हो जाएगा। ये टोटल वॉल्यूम आपको मिल चुका है। अब एम टोटल आपको फाइंड आउट करना है, तो एम टोटल का फॉर्मूला लगा लो यहां से। एम टोटल भी टोटल ये किसके बराबर होगा बेटा, एम वन भी वन प्लस एम टू भी टू के सम के बराबर होगा। पढ़ा चुके हैं तो एम टोटल, अच्छा भी टोटल कितना है देखो तो 5.5 है, आप देख सकते हो निकाल चुके हम लोग। एम वन कितना है बेटा 1, भी वन कितना 2.5, एम टू कितना है 0.5 और भी टू कितना है 3। अरे होंगे ना, सॉल्व करें इसको। एम टोटल इज इक्वल यहां पे हो गया 2.5 प्लस, अच्छा 0.5 इंटू 3 कितना आ गया 1.5, डिवाइड बाई क्या हो गया बेटा तो 5.5 हो गया। सॉल्व करके देखें कितना 4 अपॉन हो जाएगा बेटा 5.5, 4 अपॉन 5.5 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे लगभग 0.73 मोलर के आसपास में आएगा आपका। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले इसको कॉपी करो, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर को हम लोग खत्म करेंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद यहां पे एक टर्म आता है फॉर्मालिटी का। फॉर्मालिटी क्या होता है, फॉर्मालिटी देखो, फॉर्मालिटी और मोलारिटी एक ही तरह काम करता है ना, एक ही तरह काम करता है। बस फर्क क्या है कि अगर आप बात करते हो किसी भी आयोनिक कंपाउंड के मॉलिकुलर मास की, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग फॉर्मल मास। क्या बोलते हैं, फॉर्मल मास। और एक ऐसे सॉल्यूशन जो आयोनिक कंपाउंड से मिलकर के बना है, तो आयोनिक कंपाउंड वाले सॉल्यूशन की जो मोलारिटी होती है उसी के लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग फॉर्मालिटी, जिसको आप कैपिटल एफ से भी दिखा सकते हो। मतलब ऐसे कह लो कि द मोलर मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्मल मास एंड हेंस मोलारिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड सॉल्यूशन कॉल्ड एज फॉर्मालिटी। तो फॉर्मालिटी क्या हो गया बेटा, आयोनिक कंपाउंड की जो मॉलिकुलर मास होती है या फिर आणविक द्रव्यमान होती है किसी भी आयोनिक कंपाउंड का, उसके लिए टर्म यूज करते हैं फॉर्मल मास। और आयोनिक कंपाउंड का जो विलयन होता है या आयोनिक कंपाउंड की जो सॉल्यूशन होती है उसकी मोलारिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मालिटी बोलते हैं। मतलब कायदे से मोलारिटी और फॉर्मालिटी एक ही तरह काम करेगा, एक ही चीज है। बस फर्क यह है कि आयोनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन के लिए टर्म फॉर्मालिटी बोलते हैं और बाकी के लिए आप क्या बोलते हैं, तो मोलारिटी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आयोनिक कंपाउंड वाले सॉल्यूशन को मोलारिटी नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप उसको क्या बोलो, फॉर्मालिटी बोलो, ठीक ना। फिर एक और आता है यहां पे डर्मल यूनिट, डर्मल यूनिट जिसको आप चाहे तो डीयू कह सकते हैं। अब डर्मल यूनिट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड डर्मल यूनिट। अच्छा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज अ मोलारिटी। और मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं ना, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलारिटी बदल जाएगा आपका। लेकिन अगर टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया और मोलारिटी निकाल लिया, तो फिक्स टेम्परेचर कितना सोचना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी आप फाइंड करना चाहते हो ना, तो उसी मोलारिटी के लिए आप टर्म क्या यूज करते हो, डर्मल यूनिट का टर्म यूज करते हो। अच्छा, इसी को आप चाहो तो ऐसे लिख दो, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड डर्मल यूनिट या फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन
एट 0 डिग्री सेल्सियस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल यूनिट। ठीक है, तो बेटा हम लोग आज जो है मोलारिटी को पूरा बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं, साथ में इससे मिलता जुलता टर्म आपको फॉर्मेलिटी के बारे में भी बताया और हम लोग थर्मल यूनिट को भी पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक तो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।